छोड़कर प्रार्थना है कि जो जहां से आ रहे हैं ट्रेन की टिकट जिन्होंने बुक करवाई है पटना आ रहे हैं बाहर वापस हो जावे। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के तरफ से अभी की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि दिव्य दरबार जो लगने वाला था उस दिव्य दरबार को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि आज नौबतपुर में जिस प्रकार से 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ देखी गई थी और जिस प्रकार से पंडाल के चारों तरफ भीड़ था और साथ साथ धूल के गुब्बारे उड़ रहे थे, बादल हो गए थे और चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रहा था और भक्तों के भीड़ देखकर, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और पंडालों में कहीं क्षेत्र में जगह नहीं बची, तीनों लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं। बागेश्वर महाराज जी को लगा कि कहीं ना कहीं अनहोनी हो जाए, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है, जिसके कारण से किसी का तबीयत खराब हो जाए या कुछ घटना घट जाए। इस चीज को लेकर जो है मंच पे आते ही उन्होंने घोषणा किया कि जो दिव्य दरबार लगने वाला था उसको कैंसिल कर दिया जाए, जो है आएंगे नहीं, हमारी प्रार्थना है। और जितने लोग जो घर से बाहर आने वाले हैं, जो नौबतपुर आने वाले हैं आके हनुमत कथा सुनने वाले हैं, वो सब घर पर आइए, घर से बाहर मत निकलिए। नौबतपुर आकर आपको दिव्य दरबार सुनने की जरूरत नहीं है, घर से पर रहे और घर पर आकर आप ऑनलाइन टीवी के माध्यम से जो है आप हनुमत कथा सुन सकते हैं। कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे, लेकिन आप नौबतपुर ना आए। अब आखिर में ऐसा क्या हो गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मंच से अनाउंसमेंट करते हैं कि आपको नौबतपुर नहीं आना है। चलिए आइए उनका ही वीडियो देखते हैं और आपको सुनाते हैं कि मंच से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है आखिर में क्यों कह रहे हैं कि आपको नौबतपुर आने की जरूरत नहीं है। एक बार देखिए, हमने मोबाइल में सुनाते हैं आपको। तो आपने वीडियो के माध्यम से सुना किस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समस्या को देखते हुए उसका समाधान निकाल दिया और जो लोग ट्रेन पकड़ के आ रहे थे नौबतपुर उनको मना कर दिया, जो लोग घर से आ रहे थे उनको मना कर दिया कि घर पे रहिए और आप घर से ही जो है हनुमान कथा सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, 5 से 10 लाख जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से लोग नौबतपुर पहुंच रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ जो है भारत में जितने भी बागेश्वर बाबा के प्रोग्राम हो रहे थे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ बिहार में दर्शकों का आया है। और बिहार में जिस तरह से 10 लाख लोग जो आए थे, जिस प्रकार से 10 लाख भक्तों ने बागेश्वर बाबा को प्यार दिया, भक्त भी काफी हैरान हो गए कि बिहार में 10 लाख लोग कहां से आ गए, इतना सारा प्यार देकर वो खुशी से समाए नहीं, उनके आंसू भी आ गए और भीड़ ज्यादा होने के कारण, गर्मी ज्यादा होने के कारण जो है उनके खुद के पसीने जो है वो छूट गए हैं। आपको मैं बता दूं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के भक्तों के लिए काफी धन्यवाद कहते हैं, वो कहते भी है कि बिहार के भक्त जो है काफी भक्ति भावना से भरे हुए हैं, लेकिन आप लोग कृपया नौबतपुर में ना आए, क्योंकि नौबतपुर में हालात काफी दयनीय होते जा रहे हैं, काफी भीड़ बढ़ती जा रही है और चारों तरफ धूल ही धूल जो है वो होते जा रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं डिस्प्ले पर, जिसपे आप मैं आपको पूरे पंडाल के चारों तरफ के भीड़ का नजारा दिखा रहा हूं, धूल का नजारा दिखा रहा हूं और आप सब हैरान हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर कि आखिर में 10 लाख लोगों की संख्या जो है वो कहां से आ रही है। और आप लोगों को मैं बता दूं, दिव्य दरबार जो लगने वाला था, दिव्य दरबार को कहीं ना कहीं जो है उस पर अटकलें लगने वाली है, शायद हो सकता है कि दिव्य दरबार खारिज भी कर दिया जाए और जो प्रोग्राम होने वाला था उसको खत्म भी कर दिया जाए। अब देखना यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराज जो है क्या कहते हैं, अगर दिव्य दरबार नहीं होगा, हनुमान कथा नहीं होगा, तो महाराज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है बताएंगे कि दिव्य दरबार कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आशंका तो यही जताई जा रही है कि जिस प्रकार से नौबतपुर में 10 लाख लोगों की भीड़ देखकर जो है प्रशासन भी चकित हो गया कि इतना भीड़ कैसे है और संभाल
नहीं पा रहे थे और जिस प्रकार से चारों तरफ धूल और गर्दा का जो है बादल छा गया था उसको देखकर कहीं ना कहीं जो है बागेश्वर धाम के प्रोग्राम को हो सकता है कैंसिल भी कर दिया जाए। और आप सबों से हम अपनी वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे और बागेश्वर बाबा ने भी मंच से निवेदन किया है कि जो लोग घर पे हैं अपने घर पे जो है ऑनलाइन बागेश्वर धाम सरकार पेज और यूट्यूब के माध्यम से उनका हनुमत कथा सुन सकते हैं, टीवी चैनलों पर जो लाइव चलाया जा रहा हनुमत कथा सुन सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि कल से जो है क्या प्रोग्राम को स्थगित किया जाता है या बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी होटल में ही बैठ के ऑनलाइन हनुमत कथा सुनेंगे। अब कल जो है आपको पता चलेगा कि होता क्या है। लेकिन फिर भी आप सबों से दोबारा हम निवेदन करना चाहेंगे कि अब आपको नौबतपुर आने की जरूरत नहीं है। अगर कैंसिल होता है प्रोग्राम तो बागेश्वर महाराज जी फिर से दोबारा पटना आएंगे और फिर से दोबारा आने के बाद हनुमत कथा भी कहेंगे, दिव्य दरबार भी लगेगा। लेकिन अभी अटकलें काफी ज्यादा है कि बागेश्वर महाराज जी का जो नौबतपुर में दिव्य दरबार लगने वाला था क्या उसको खारिज कर दिया जाएगा, क्या दोबारा पटना आएंगे बागेश्वर महाराज जी या दिव्य दरबार लगेगा तो होटल से ही वो ऑनलाइन करेंगे। अब देखना यह है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है सारी बातें तय होगी और कुछ ही समय में आप बागेश्वर महाराज जी लाइव भी आएंगे और आप लोगों को बताएंगे भी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस प्रकार से 10 लाख भक्तों की संख्या गया, जिस प्रकार से 10 लाख भक्त बागेश्वर धाम महाराज जी के दर्शन के लिए नौबतपुर में गए थे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बागेश्वर धाम महाराज जी के कौन कौन प्रशंसक है, भक्त कौन कौन से है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे बागेश्वर महाराज जी का बहुत सारा वीडियो अपलोड है, उसको देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।